रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है मखंडी हलवा। मखंडी हलवा जो है उसमें सूजी, चीनी और घी का इस्तेमाल होगा। और ये रेसिपी बहुत ट्रेडिशनल है हमारी और बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। व्यूअर्स, आपको यकीनन ये रेसिपी जो है वो पसंद आएगी। आपको रेसिपी पसंद आए तो आप ज़रूर से लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आए हम ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उसमें मैंने सबसे पहले जो है 1 कप घी मैंने लेना है। इसमें इसको हम अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे घी को। घी जब हमारा हल्का सा मेल्ट होना शुरू हो जाए तो फिर हम इसमें सब्ज़ इलायची 4 से 5 अदद है, इनको मैंने दाने इनके निकाल लिए हैं। आप चाहे तो खाली दाने भी डाल सकते हैं और चाहे तो इसका छिलका जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। इसको बारीक पाउडर फॉर्म में वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हल्का सा फ्राई होने देंगे। व्यूअर्स, मखंडी हलवे के लिए आप अगर इसको ज़्यादा रिच बनाना चाहते हैं तो आप इसमें देसी घी, मक्खन ये भी ऐड कर सकते हैं। ये हल्का सा फ्राई जब हो जाएगा तो मैं इसको इलायची को जो एहतियात से निकालूंगी क्योंकि इसमें हम पहले चीनी जो है उसको मेल्ट करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा से इनको इलायची को शामिल कर देंगे। 1 कप अगर सूजी है तो मैंने 1/4 कप जो है इसमें चीनी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप मीठा अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें 1/2 कप जो है वो चीनी का डाल सकते हैं। यानी अगर 1 कप सूजी है, इसी क्वांटिटी ये है कि 1 कप सूजी है तो उसमें 1 कप ही इसमें चीनी डलेगी। फ्लेम आपका बिल्कुल लो होगा और इस तरह से हम चीनी जो है इसको मेल्ट होने देंगे। ये देखिए इस तरह से सूजी है, इस 1 कप सूजी है, इसको मैंने 1 कप ही दूध लिया है और उसमें मैंने इसको तकरीबन 2 घंटे से भिगो के रखा हुआ है। अब ये जब तक चीनी हमारी ब्राउन होगी हम इसको हिलाते रहेंगे ताकि चीनी जो है वो जले ना, लाइक गोल्डन कलर जो है वो हम करेंगे इसका। व्यूअर्स, ये देखें चीनी हमारी जो है वो मेल्ट हो गई है तकरीबन। आप इसका कलर जो है उसका हम वेट कर रहे हैं, कलर इसका थोड़ा और गोल्डन सा हो जाए। जरा फ्लेम बिल्कुल आपने स्लो रखना है। जब हम सूजी डालेंगे तो ये बहुत ज्यादा चीनी जो है इसकी हो रहेगी घी की, तो आपने इसका चाहे तो फ्लेम आप इसका ऑफ कर दें। ऑफ करके आप सूजी इसमें ऐड करें वरना आप एहतियात से इसको करें। ये देखें गोल्डन हो गया है बिल्कुल। अब मैं इसमें सूजी ऐड करूंगी बहुत एहतियात से ताकि हाथ के ऊपर आपके छींटे जो है ना वो बिल्कुल घी ना पड़े। ये देखें अच्छी तरह से मिक्स करना है। तेज हाथ से जरा इसको आपने हिलाना है। प्रेस करते जाएं ताकि इसकी गुठलियां जो है वो ना बने। बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर इसमें नजर आ रहा है। आप जो रिवायती हलवा बनाते हैं उससे हटके है ये बहुत मजे का इसका जायका होता है। इसकी गुठलियों को जरूर आपने इस तरह से प्रेस करते जाना है। इसमें ऑयल भी जो आपको फालतू नजर आ रहा है इसको भी मैं स्टेन कर लूंगी। ये जब हलवा रेडी होता है ये बिल्कुल घी जो है बिल्कुल सेपरेट हो जाता है दूध का। इसमें जो मेन चीज है वो यही है कि चीनी का जो फ्राई करने के बाद जो उसका कलर आए वो गोल्डन सा हो, ज्यादा जलने ना पाए और ना ही ज्यादा वाइट वाइट हो। और दूसरा जो स्टेप है वो उसका ये है जिसमें हम इसको मिक्स करते हैं सूजी को। ये थोड़ा महारत का काम है, इसको आपने तेज तेज से हाथ हिलाना है और इसको प्रेस करना है साथ साथ आपने।
कोकोनट शामिल कर रही हूँ जो मैंने इसमें काट के रखा हुआ था, और ये पिस्ता है ये शामिल कर रही हूँ, इसको जरा मिक्स कर लेते हैं। साथ ही ये हमारा मखंडी हलवा बिल्कुल तैयार हो गया है, इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। और हमारी वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत शुक्रिया।